दोस्तों, अपने जमाने के हिट एक्टर्स में से एक है मनोज कुमार। मनोज कुमार की एक्टिंग और उनका सबसे अलग स्टाइल ही था, जिसकी वजह से उनके फैंस उन्हें पसंद करते थे। ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम भारत होने की वजह से उन्हें भारत कुमार भी कहा जाने लगा था। वहीं उनके बचपन का नाम हरे किशन गिरी गोस्वामी है। मनोज कुमार ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि आज ये कहाँ है और किस हाल में है। मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी है। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 में हुआ था। जब वह महज 10 साल के थे, तब उनका पूरा परिवार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आकर बस गया। बचपन के दिनों में मनोज कुमार ने दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म सबनम देखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार के निभाए किरदार से मनोज कुमार इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने भी फिल्म अभिनेता बनने का फैसला ले लिया। मनोज कुमार ने अपने स्नातक की शिक्षा दिल्ली के मशहूर हिंदू कॉलेज से पूरी की। इसके बाद बतौर अभिनेता बनने का सपना लेकर वह मुंबई गए। बतौर अभिनेता मनोज कुमार ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 2057 में प्रदर्शित फिल्म फैशन से की। फिल्म में मनोज कुमार ने छोटी सी भूमिका निभाई थी। वर्ष 1957 से 1962 तक मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म फैशन के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, वह उसे स्वीकार करते चले गए। इसी बीच उन्होंने कांच की गुड़िया, रेशमी रुमाल, सहारा, पंचायत, सुहाग सिंदूर, हनीमून, पिया मिलन की आज जैसी कई भी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश में किसान और जवान की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया और मनोज कुमार ने इस पर फिल्म बनाने की पेशकश की। बाद में मनोज कुमार ने फिल्म उपकार का निर्माण किया। वर्ष 1967 में प्रदर्शित फिल्म उपकार में मनोज कुमार ने किसान की भूमिका के साथ ही जवान की भूमिका भी दिखाई दी। फिल्म में उनके चरित्र का नाम भारत था। बाद में इसी नाम से वह फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गए। मनोज कुमार ने अपने सिनेमा करियर में 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। वेल दोस्तों, अगर बात करें इनके आज की, तो आपको बता दें कि ये 85 साल के हो चुके हैं और अपने पहले के मुताबिक काफी बूढ़े नजर आते हैं, जो अब तक ठीक से चल फिर भी नहीं पाते। उन्हें कई बार व्हीलचेयर के साथ अवार्ड शो में भी देखा जाता है। वेल दोस्तों, आपको मनोज कुमार की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।